उत्तर प्रदेश के रहने वाले कोचिंग छात्र के सुसाइड के बाद आज परिजन कोटा पहुंचे। परिजनों के कोटा पहुंचने पर मृतक छात्र का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया। छात्र के पिता साबिर खान ने बताया कि छात्र पढ़ने में होशियार था, उसने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया ये पता नहीं है। साथ ही छात्र के पिता ने यह भी कहा कि जिस फ्लैट में रह रहा था उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था, यदि पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा होता तो उरूज खान की जान बच जाती। फिलहाल विज्ञान नगर पुलिस सुसाइड प्रकरण की जांच कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। भतीजा जो था यहाँ पे इसकी तैयारी अकेडमी में कर रहा था, स्वालिका हॉस्टल में तैयारी कर रहा था, तो हम लोगों को जब खबर यहाँ पे सर द्वारा दी गई कि यहाँ पे सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर घटना स्थल पर आए 6 बजे, तो हमारी मुलाकात इधर के यहाँ पे नीतीश से हुई। उसने पूरी बताई कि यहाँ पे हम गए थे, दरवाजा खुला देखा, अब क्या रीजन है क्या नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। थाने पे सूचना मिली थी कि किसी लड़के ने बिल्डिंग में रहता है उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर हमारे टीम मौके पर पहुंची, घटना स्थल का पता निरीक्षण किया, एफएसएल टीम बुलाकर मौके पर जो भी साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए, वहीं के परिजनों को सूचित किया। परिजनों की रिपोर्ट पे कल शाम को हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है, आज बॉडी का पोस्टमार्टम करा के और बॉडी सुपुर्द परिजनों को कर रहे हैं।